स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में हमारा थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में से उठाएंगे जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जिसमें हम डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है जी, जिसमें डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ डिफरेंस है उसके क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने दो वीडियोस बनाई है, वो उसमें सारा हमने बेसिक डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स, तो वो दो वीडियोस जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो आप देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको प्रॉपर सीक्वेंस में समझ आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 7350 इन 2 years एंड टू रुपीज 8575 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहते कोई पैसा जिसकी 2 साल बाद अमाउंट कितनी बन जाती है जी 7350, मतलब के 2 साल बाद की अमाउंट, मतलब अगर कोई बंदा हमें 2 साल बाद पैसे लौटाएगा तो कितने लौटाएगा जी वो 7350 एंड 3 साल बाद उसी सम की अमाउंट कितनी बन जाती है 857। तो अगर वो बंदा हमें 3 साल बाद पैसे वापस करेगा तो कितने पैसे वापस करेगा जी 8575 वापस करेगा। अब यहां से ध्यान से 2 साल बाद हमें वापस मिल रहा है 7350, तो 1 साल और बीत गया 3 साल खत्म हो गए, तो 3 साल बाद कितने वापस कर रहा है 8575। तो ये जो डिफरेंस आया जी 1225 रुपए का, ये डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये है इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट है दोस्तों, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट यानी दूसरे साल से तीसरे साल में जब जाएंगे तो उस साल जो इंटरेस्ट लगा उसे बोला जाता है थर्ड ईयर इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट होती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाती है, यानी 1 साल खत्म होने पे जो अमाउंट होगी यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगी, सेकेंड ईयर खत्म होने पर जो अमाउंट बनेगी वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगी, ऐसे ही थर्ड ईयर खत्म होने पर जो अमाउंट होगी वो फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल, तो ये ऐसे प्रोसेस चलता है। इस केस में ये जो अमाउंट है सेकंड ईयर खत्म होने पे ये थर्ड ईयर के लिए क्या होगी दोस्तों, प्रिंसिपल, यानी तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने प्रिंसिपल पे लगेगा 7350, और वो तीसरे साल इंटरेस्ट लगा कितना है दोस्तों 1225 रुपए, यानी ये 1225 रुपए का प्रिंसिपल माना जाएगा 7350। अब हमें इंटरेस्ट पता है 1 साल का, प्रिंसिपल पता, टाइम पता हो गया, रेट हमें चाहिए, तो हम डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, पी अब इसके लिए कितना है जी 1225 के लिए पी है इसके लिए 7350, रेट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम 1 साल का हो गया बाय 100, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 100/6%, ठीक है जी 100/6%, ये हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको 16/2/3% भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोस्तों कैलकुलेट हो गया, अब दूसरी चीज हमें जो कैलकुलेट करनी है वो है सम, यानी कि प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप अमाउंट का फॉर्मूला उठा लेंगे हमारा जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, इनिशियल वैल्यू इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, ये मैंने फॉर्मूला पूरा अपनी पहली वीडियो में, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली वीडियो है उसमें आप डिटेल में समझाया, तो वहां से जाके आप पहले इस फॉर्मूला को डिटेल में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल, ये हमें फाइंड आउट करना है, कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों 16/2/3%, तो इसकी फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/6, फ्रैक्शन होती है 1/6, तो यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा 7/6, कितने साल के लिए लेके चल रहे हैं हम 2 साल के लिए यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे और फाइनल वैल्यू अमाउंट यानी कि 2 साल की अमाउंट कितनी गिवन है 7350, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 7350 × 36/49, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमें 5400, यानी हमारा प्रिंसिपल या सम कितना हुआ 5400, तो ये क्वेश्चन बनता है
इसमें कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के साथ का। सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 672 इन टू ईयर्स एंड टू रुपीज 714 इन थ्री ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो साल के बाद अमाउंट कितनी गिवन हमें 672, और तीन साल के बाद जो अमाउंट हमें गिवन है दोस्तों वो गिवन है 714। ठीक है जी, तो यहां से डिफरेंस आएगा हमारे पास, ये तीन थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा जी, थर्ड ईयर इंटरेस्ट। ये थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना बन रहा दोस्तों 42 रुपीज। ठीक है जी, हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब ये 42 रुपीज इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कौन बनेगा दोस्तों, सेकंड ईयर की अमाउंट यानी 672। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला गया, तो फॉर्मूला इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1/100। तो यहां से हम रेट कैलकुलेट कर देते हैं जी, 42 इंटू 100 बाय 672। ठीक है जी, इसको कैंसिल आउट करते हैं जी, ये मैं 4 के टेबल पे इसको कटा रहा हूँ, 4 1 2 7 4 6 23। तो ये गया जी, फिर इसको मैं 2 के टेबल पे 21, 2 के टेबल पे 84, और ये आ गया 4। तो 25/4%, यानी 6 whole 1/4% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जिसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन होता है टाइम के अकॉर्डिंग, भी दो साल के बाद, तीन साल के बाद या चार साल का कितना डिफरेंस बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट को अगले पीरियड के लिए हमने प्रिंसिपल मान के चलना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जी यहाँ से, कि कोई पैसा कितने साल में डबल हो रहा है, तीन गुना हो रहा है, चार गुना हो रहा है, पांच गुना हो रहा है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर। कोई पैसा डबल हो जाता है कितनी देर में, 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हमें बताना है कितने साल में उस पैसा, वही पैसा 8 गुना हो जाएगा सेम रेट के ऊपर, 8 times। तो बहुत सिंपल करना गया है कि अगर मान लो 100 रुपए है तो वो डबल हो जाता है, यानी वो 200 बन जाता है कितने साल में, 15 साल के अंदर। तो 100 से 200 15 साल। अब ये जो 200 है ये डबल हो जाएगा अगले 15 साल में, ये डबल हो गया जी अगले 15 साल में। अब ये जो 400 है ये डबल हो जाएगा अगले 15 साल में। ठीक है जी, तो अगले 15 साल में डबल। तो अब देखो 100 रुपए का प्रिंसिपल कितनी वैल्यू हो चुकी है उसकी, 800, यानी कि 8 times हो गया, और इसके लिए उसको टाइम टोटल कितना लग गया, 15 + 15 + 15, यानी कि 45 years। तो हमारा आंसर क्या बना दोस्तों, 45 years। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ देख डबल करना है और कुछ नहीं कर। ठीक है जी, एक और इसकी ट्रिक है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। डबल हो रहा है जी, डबल का यानी 2 times। ठीक है जी, 2 times कितनी देर में हो रहा है जी, 15 साल के अंदर, ये भी हमें गिवन है। हमें पूछा क्या गया, 8 times कितनी देर में होगा। अब जो ये 8 times है दोस्तों, ये 2 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब इस वैल्यू का क्यूब है जी। ठीक है जी, तो जितनी इसकी पावर आएगी उसको इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 3 क्या बन जाएगा, 45 years। तो ये भी एक ट्रिक बनती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आप अपना एक नंबर फिक्स मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आता है जी। आइए एक और ट्राई करते हैं। सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर। एक पैसा 3 गुना हो रहा है 10 साल में, यानी 100 रुपए का 300 बन जाता है कितने साल में, 10 साल में। हमें बताना है कितने साल लगेंगे उसको 27 times होने के लिए, यानी 300 को 900 बनने में अगले 10 साल लग जाएंगे, और 900 को 2700 बनने के लिए अगले 10 साल लग जाएंगे जी। ठीक है जी, तो टोटल हम देख सकते हैं कि 100 वाली चीज 2700 की होगी, यानी 27 times हो गई, और उसके लिए टाइम कितना लग गया, 30 साल। टाइम कितना लग गया दोस्तों, 30 साल। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A sum of money doubled itself at compound interest in 3 years. In 9 years, it will become k times of the original principal. What is the value of k?
ठीक है जी, डबल हो जाता है 3 साल में, तो हमें बताना है 9 साल में वो कितने टाइम्स हो जाएगा, यानी 100 रुपए 200 बन जाता है कितने साल में, 3 साल में, 200 का डबल हो जाएगा 400 अगले 3 साल में, और 400 का हो जाएगा 800 अगले 3 साल में, ठीक है जी। तो यहां तक हमारा 9 साल का टाइम कंप्लीट होता दोस्तों, 3 + 3 + 3, और 9 साल में 100 वाली चीज कितने की हो गई, 800 की, यानी कितने टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स। उसने 9 साल का टाइम हमें पूछा था कि 9 साल में कितनी होगी, तो 9 साल में वो कितनी बन रही है दोस्तों, 8 टाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करिए इस तरह के क्वेश्चंस को। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, कितने साल में, 2 साल में, ठीक है जी। क्योंकि जो पहला साल होता है उसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों सेम होते हैं, बट दूसरे साल के बाद उनमें डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो दूसरे साल के बाद जो डिफरेंस बनता है टोटल, वो हमसे पूछेगा सबसे पहले। तो उसके लिए 2 फॉर्मूला दोस्तों, एक फॉर्मूला है डिफरेंस, यानी डिफरेंस माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, 2 साल का डिफरेंस कितना बनता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों, एक फॉर्मूला बनता है डिफरेंस इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ SI फॉर 1 ईयर, 1 साल को जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पे रेट लगा दीजिए, वो भी हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, किस चीज का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, 2 साल के लिए। अब दोनों में से कौन सा यूज करना है उसके लिए क्या डिपेंड करता है, जैसे अब पहला फॉर्मूला है इसमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का रोल आएगा, तो यानी दोनों, जहां पे प्रिंसिपल की जरूरत भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड जो फॉर्मूला, इसमें प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, तो इसमें तो जहां पे प्रिंसिपल नहीं सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, तो वहां पे हम सेकंड यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं इसके बेस पे। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 18,000 इन 2 ईयर्स वॉज 405। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस हमें गिवन है 2 साल के बीच, वो है 405 रुपए, ठीक है जी। और प्रिंसिपल कितना है, 18,000। ये होगा हमारे लिए डिफरेंस, आर हमें कैलकुलेट करना है। अब प्रिंसिपल गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो था डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना गिवन है दोस्तों, 405 रुपए। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 18,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 405 इंटू 10,000 बाय 18,000 इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 जीरोस ये कैंसिल हो जाएंगी, 9 के टेबल पे कटाया इसको, 9 4 45। तो आर स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आती है 225, यानी कि आर की वैल्यू आएगी 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो ये डिफरेंस का हमने फॉर्मूला यूज किया 2 साल का। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज 696.30 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 660। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 696.3 एंड 2 साल का सिंपल गिवन है 660। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट चाहिए। अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कहीं नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है, तो इसमें हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या बनता था, डिफरेंस इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ SI फॉर 1 ईयर, ठीक है जी। तो डिफरेंस कितना बनेगा, 696.30 माइनस 660 इज इक्वल टू आर परसेंट, आर बाय 100 इंटू SI फॉर 1 ईयर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कितना है 660, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 330, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 36.30 इज इक्वल टू आर बाय 10 इंटू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 363/33 बन जाएगा जी, इज इक्वल टू आर, जो कि सॉल्व होके कितना बनेगा दोस्तों, 11%। तो ये हमारा आंसर आया 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 220 एंड 200 फाइंड द प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल पूछा गया दोस्तों, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए डिफरेंस का फर्स्ट फॉर्मूला, बट उसमें रेट की जरूरत होती है, हमें रेट भी मिसिंग है। तो सबसे पहले हमें रेट कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए पहले सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया, डिफरेंस इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ एस आई फॉर वन ईयर, ठीक है जी। सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डिफरेंस कितना हो गया 220 माइनस 200 इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ एस आई फॉर वन ईयर। दो साल के अंदर 200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, तो एक साल के अंदर 100 रुपया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना आया 20%, ठीक है। अब हमें रेट पता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल बड़े आराम से निकाल सकते हैं, या तो आप डिफरेंस का पहला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो, या आप सिंपली सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे भी निकाल सकते हो कि दो साल के अंदर 200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बनता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का 20% है, तो दो साल के अंदर ये 40% रेट हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट, और 40% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 200 रुपए। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 500। तो प्रिंसिपल कितना आएगा दोस्तों 500 रुपए। तो ये हमने तीन क्वेश्चंस किए जहां पे हमने डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया फॉर टू इयर्स। ऐसे ही दोस्तों अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो तीन साल का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100। ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली तीन साल का डिफरेंस निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन हमें जैसे गिवन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री इयर्स एट 20% पर एनम इज 152, फाइंड द प्रिंसिपल। हमें डिफरेंस बताया हुआ है, रेट पता है, टाइम पता है, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करके देख सकते हैं, डिफरेंस है 152 रुपीज, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों हमें मिसिंग है वो हमें पता करना है, रेट है 20% पर एनम, तो 20/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100, रेट है 20/100, तो 152 इंटू 1/25 इंटू 320/100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 152 इंटू 25 इंटू 10/32, ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करके आएगा 1187.5, ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला यूज किया हमने तीन साल का। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी बनता है दोस्तों, एक और ट्रिक बनती है जिसमें हमने सक्सेसिव चेंज वाली वैल्यूज को यूज करेंगे परसेंटेज को लेके। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20% पर एनम। अगर मैं 20% पर एनम के हिसाब से सोचूं तो तीन साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितने परसेंट बन जाएगा जी, 60%, हर साल 20% लगेगा तो तीन साल में 60 हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मैंने परसेंटेज लिखवाया था कि अगर 20% हम चार्ज करते हैं तो तीन बार में ये टोटल कितना बनता है 72.8%। ये मैंने सेकेंड वीडियो में, जो पिछली वीडियो है उसमें ये परसेंटेजेस मैंने लिखवाई थी, तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तीन साल में कितना लगेगा 72.8% और सिंपल कितना लगेगा 60%, यानी डिफरेंस कितना हो गया 12.8%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने परसेंट हो गया 12.8। तो ये डिफरेंस की वैल्यू हमें बताई हुई है 152 रुपीज, तो 12.8% किसके बराबर है 152 रुपीज है जी। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल चाहिए यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 152/12.8 × 100 विच इज इक्वल टू 1187. तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। हाँ जी, तो ये थे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में से, जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस के अंदर तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक और शेयर करें, और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियोज हैं अपकमिंग वीडियोज वो आपके मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।